ओके देखिए बच्चों, पहले मैं वेलोसिटी बताता हूँ कि वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पे वेलोसिटी में थोड़ा सा डाउट है। तो कल हमने दो चीज़ें पढ़ी थी बच्चों, एक हमने पढ़ी थी आपको स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का मतलब क्या होता है ऋषिका, पढ़ो। स्पीड इज द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम हाँ टेकन। बेटा देखो, एक सेकंड में आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, एक सेकंड में आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसको बोलते हैं अपन स्पीड। तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ओके, एंड एवरेज स्पीड इक्वल टू, बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। ओके, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की, वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट बेटा, इसको ऐसे समझो, ग्राफिकली ऐसे समझो। मान लो बेटा ये आपके घर का फ्लोर है, और ये फ्लोर की आपकी एक साइड है x, और फ्लोर की आपकी दूसरी साइड है y, और आप जो है एक पॉइंट ए है और दूसरे पॉइंट बी तक आप जाते हो, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट बी तक आप जाते हो। तो ए से ले करके बी तक की टोटल पाथ लेंथ जितने समय में ट्रेवल करोगे वो आपकी कहलाएगी स्पीड, ए से लेकर टोटल का ऐसा वाला पाथ। बट अगर आप ए से लेके बी डायरेक्ट जाते हो, तो अब आप पाथ लेंथ नहीं ट्रेवल कर रहे हो, अब आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल कर रहे हो, जिसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन है। शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे अब आप डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एस है, और आपको टाइम लगता है यहाँ से यहाँ जाने में टी, तो आप टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चल गए, मान लो डिस्प्लेसमेंट चल गए एस, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चल गए, एस अपॉन टी। तो यूनिट टाइम में चले गए डिस्प्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों लिख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ प्रगति, यहाँ से पढ़िए एक बार फिर से स्पीड एंड वेलोसिटी से। स्पीड, speed is the distance traveled by object in the unit time. speed is equals to distance traveled upon time taken. average speed, the ratio of total distance traveled to total time taken by the body gives us average speed. average speed is equals to total distance traveled upon total time taken. it's a scalar quantity. SI unit of speed is meter per second. velocity is the displacement of body in unit time. velocity is equal to displacement of object upon time taken. velocity is a vector quantity. SI unit of velocity is meter per second. So SI unit of velocity is meter per second. Next. Note, velocity has both magnitude and directional direction, while speed has only magnitude and no direction. velocity has same direction as displacement. Exactly. वेलोसिटी के पास, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मगर स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी। स्पीड मैंने कहा ना, केवल पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। ओके, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इस सिचुएशन में आपसे कोई बोलेगा कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे, ये जो आपका एरो जा रहा था ना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है और यही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर आप कुछ टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी गिव्स इट्स एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। ओके, यस। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं अच्छी अच्छी, कह रहा है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, आप सब लोग जानते हो कि जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा
डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो इसलिए अगर टाइम का डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एवरेज स्पीड और ये क्या बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी और ये है स्पीड। तो समझ में आ रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी देन एवरेज वेलोसिटी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट यू टर्न, बोथ आर इक्वल। हाँ, अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, मान लो कोई बंदा ए से चल के बी पे जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो आपका अगर टाइम गिवन है तो इसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब कल मैंने एक सवाल किया था कि अगर कोई बॉडी चल के अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाए, अगर कोई बॉडी चल करके अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, तो कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, मगर उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि स्पीड तो पाथ पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो कोई चल के, हाँ बेटा बोलो सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जीरो होगी बट डिस्टेंस और जो पाथ के स्पीड होगी वो अलग होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटा पाथ जीरो थोड़ा ना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पाथ तो वही रहेगा जो होगा, समझ गए ना। पाथ कितना होगा, 2πr, सर्कुलर पाथ है तो पाथ की लेंथ कितनी होगी, 2πr अपॉन जो टाइम लग रहा है वो टाइम यूज होगा। Yes, sir. ठीक ना। सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस वेलोसिटी आल्सो चेंजेस, ये लास्ट पॉइंट है कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है तो वेलोसिटी भी बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे, और जब डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदलेगी। बोलो क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। ये इसके पूरे नोट्स मेरे को बना के देने हैं आप लोग को, क्लास के बाद इसको नोट्स पूरे बना के दीजिएगा, जैसे इसमें लिखा वैसे लिख करके समझ करके, जो ना बने वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए अगला बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बच्चों तुरंत तुरंत की, या इसको ये समझो पलक झपकते की। ओके, पलक झपकते की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड निकालने के लिए जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे मैंने कहा कि बेटा आप घर से चले, ओके ये टाइम है, ये आपकी गाड़ी का कांटा है वेलोसिटी का, ओके आप घर से चले, दिस इज वेलोसिटी, आप घर से चले और ये आपका वेलोसिटी इस तरीके से बदल रही है। तो आप घर से चले, मैं पूछूंगा बेटा बताइए जब आप मतलब 10 सेकंड पे आपकी क्या थी स्पीड, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी आपकी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहलाती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट अ स्पेसिफिक टाइम, या और यू कैन से एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पढ़ो ऋषिका, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इंस्टेंट इन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। यस, तो बात वही है दोनों की कि एक में स्पीड निकालना है और एक में वेलोसिटी निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अगला टॉपिक आता है बच्चों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, आपने अपनी गाड़ी में जब आप गाड़ी राइड करते हो स्कूटी, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक राइट साइड में जो है एक्सेलरेटर होता है। ओके, इसको अगर आप पीछे की तरफ घुमाते हो तो क्या होती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना। और आगे की तरफ ले जाते हो तो गाड़ी क्या होती है, स्लो होती है ना। पीछे ले जाते हो तो गाड़ी स्पीड में आती है,
और आगे ले जाते हो तो गाड़ी स्लो हो जाती है। ओके, तो ये जो बेटा आगम माइक ऑफ कर लो। यस सर। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है और गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर का काम क्या है? एक्सेलरेटर का काम है गाड़ी की स्पीड को बदलना या वेलोसिटी को बदलना। ओके, अब मैं कब कहूँगा कि एक्सेलरेशन बहुत तेज है? आपने जब बहुत तेज़ी से एक्सेलरेटर घुमाया होगा तो आपकी वेलोसिटी तेज़ी से चेंज हुई होगी, और जब आप यदि स्लोली आपने एक्सेलरेटर घुमाया होगा तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लोली चेंज हो रही है। तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। बेसिकली इट इज़ द चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, आपकी वेलोसिटी कैसे बदल रही है। ओके, सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जब भी आप देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदलेगी कोई चीज़, वेलोसिटी कैसे बदलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई? बिकॉज ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर हम लोग लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे लेते हैं हम लोग टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग किस में मेज़र करते हैं बच्चों? मीटर पर सेकेंड में। और टाइम को किस में मेज़र करते हैं? सेकेंड में। तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर। दैट्स वाई इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये है हमारा एक्सेलरेशन। ओके, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, फाइनल वेलोसिटी को फिजिक्स में हम लोग वी से मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू मानते हैं। आगम माइक ऑफ कर। सो फाइनल वेलोसिटी इज वी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू अपॉन टाइम टी। सो एक्सेलरेशन बिकम्स ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन मोशन इज मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो पहले यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। अब एक चीज़ समझिए बच्चों, एक चीज़ समझिए कि अगर इन केस अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर इक्वल हो जाएं, मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही आपकी फाइनल वेलोसिटी है, इन दैट केस व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? वी माइनस यू अपॉन टाइम टी। अगर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। सो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा मतलब गाड़ी जो है वो अंकल जी के स्कूटर के जैसे चलेगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी और फाइनल वेलोसिटी वही रहेगी। बट यदि गाड़ी ये कर रही है इसका मतलब गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, है ना, मतलब एक्सेलरेशन मिल रहा है क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। ओके, तो एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं। अगर एक्सेलरेशन बढ़े, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़े, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने में हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंड दैट टाइम एक्सेलरेशन हैज़ द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स व्हाट? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो कब आएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव? देखो बेटा, दिस इज़ वी माइनस यू अपॉन टी। नाउ वी की वैल्यू ले ले 20, यू की वैल्यू 10, और टाइम कुछ भी रहे, तो 20 में से 10 आएगा तो क्या आंसर आएगा? प्लस में आएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो दैट टाइम आपकी गाड़ी जो होगी इंक्रीज अप होगी ऐसे, तो आपकी जो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव कहने की आप बात कर रहे हैं, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए आपको गाड़ी का एक्सेलरेटर जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो दैट मोमेंट में आपने देखा होगा गाड़ी कैसे होती है, 20 पे चलती है तो 10 पे आ जाती है, 10 पे होती है तो 5 पे आ जाती है, 5 पे होती है तो रुक जाती है अपने आप, रुक गई। सो दिस इज कॉल्ड
नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मतलब गाड़ी क्या होगी, स्लो डाउन होगी। पहले वाले में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब गाड़ी इंक्रीज अप होगी, ओके, और यहाँ पे गाड़ी जो होगी वो स्लो डाउन होगी, ओके। स्लो डाउन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गाइज रिटार्डेशन, इसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आपसे कोई बोले भाई रिटार्डेशन क्या है, तो आप यही जवाब देंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ओके। चलो तो ऋषिका यहाँ से पढ़ो एक बार, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सो आई मीन आपका एक्सेलरेशन क्लियर हो गया यहाँ तक? बोली कोई डाउट तो नहीं एक्सेलरेशन में? सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा सकता है। ऑब्वियसली कल ही तो बताया था बेटे, मैंने याद करो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है नेगेटिव पे जा सकता है बिल्कुल। अगर आप राइट साइड चलते हो, आपकी अगर डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव बोलते हो तो लेफ्ट साइड चलोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव काउंट होगा, समझ में आया? अगर अपवर्ड चलते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव काउंट होता है तो डाउनवर्ड चलने में आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव काउंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये कुछ भी हो सकते हैं, ओके। सो सर बट अगर रेफरेंस पॉइंट की अपन लेफ्ट साइड जाएंगे तो होगा ना नेगेटिव? तो होगा, एग्जैक्टली तो होगा। सो एक्सेलरेशन हैज द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होगी, और अगर एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द, एक्सेलरेशन हैज़ द अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन हैज़ अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे ये समझो, मान लो कोई बॉडी है उसकी स्पीड पहले सेकंड में थी 5, अगले में हो गई 4, फिर हो गई 3, फिर हो गई 2, फिर हो गई 1। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर स्पीड गाड़ी की लगातार कम हो रही है, वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, तो ये गाड़ी क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? वेलोसिटी तो इसकी इधर की तरफ है मगर इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। प्रियांशी प्रगति क्लियर है? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म का दूसरा नाम है बेटा कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब हर टाइम स्लॉट में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब जैसे मान लो कि पहले सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड, अगले में भी चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे भी वेलोसिटी का चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए मैं वेलोसिटी का चेंज बोल रहा हूँ इक्वल है, मैं वेलोसिटी इक्वल है नहीं बोल रहा हूँ, मैं वेलोसिटी का चेंज इक्वल बोल रहा हूँ। तो अगर वेलोसिटी का चेंज हर सबसीक्वेंट टाइम में इक्वल है, दैट टाइम योर बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी का वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं है, मान लो पहले में 2 का चेंज आया, दूसरे में 3 का चेंज आया और तीसरे में 4 का चेंज आ गया, तो ये जो है दैट टाइम आप कहेंगे कि बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि कोई बॉल अगर आसमान से ऊपर गिर रही है, ये तो बताओ मुझे ये कैसा कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही, क्योंकि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी हर सेकंड में चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होता है, ओके। और नीचे गिरने वाली बॉल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है जिसका नाम है जी, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो बोलो सर, बेटा जैसे कोई कार है हाँ, तो वो 3 घंटे तो एक ही कांस्टेंट स्पीड से चली, लेकिन अगर वो 3 घंटों के बाद वो क्या कहते अलग अलग स्पीड चेंज करने लगी तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म,
भाई यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कार का मोशन तो कभी भी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में, रोड में खड्डे हैं, भैंस आ गई, गाय आ गई, सिग्नल आ गए, बच्चे आ गए, है ना, तो है ना, तो स्पीड ब्रेकर आ गया, तो कार का मोशन क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म, समझ गए ना? कार का मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे जो फॉलिंग ऑफ बॉल है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, नहीं कहेंगे इसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये है बेटा सही नाम इसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? हाँ, प्रकृति पढ़ो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर हाँ सर यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहते हैं, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है यूनिफॉर्म मोशन अगर में, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो बिल्कुल रही हो बिल्कुल तो? पड़ेगा। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अगर कोई, जैसे कि मान लो जैसे अर्थ है या कोई बॉडी है या कोई फैन है या कोई भी चीज़ है, मान लो, मान लो यहाँ पर आप इस सर्कल में आप घूम रहे हो, आप जो है बिल्कुल फिक्स स्पीड है आपकी, आप यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड पे, आप यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड पे हो, आप यहाँ भी 2 मीटर सेकेंड पे हो, बट आपकी वेलोसिटी बदल रही है। तो एक्चुअली आपकी वेलोसिटी बदल रही है, इसकी वजह से ये मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? आपका स्पीड सेम है, आपकी स्पीड हर पॉइंट पर दो 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 है, बट आपकी डायरेक्शन बदल रही है, दैट्स वाई यू आर सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया बेटा? हाँ, यूनिफॉर्म के लिए एक ही शर्त है, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और एक्सलेशन क्या होगा? जीरो। और एक्सलेशन क्या होगा? जीरो, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और वेलोसिटी को चेंज करने वाली दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से भी बदल सकती है, डायरेक्शन से भी बदल सकती है। क्लियर? हाँ प्रियांशी, यस सर पढ़िए बेटा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस सर व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स इफ टाइम एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म फॉलिंग ऑफ बॉल इज अ यूनिफॉर्म मोशन मोशन ऑफ अ कार इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओके, चलिए, फॉलिंग ऑफ अ बॉल इज यूनिफॉर्म मोशन। नो बेटा, फॉलिंग ऑफ अ बॉल इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फॉलिंग ऑफ अ बॉल यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बॉल को गिराओ तो ऊपर इसकी वेलोसिटी जब ड्रॉप करते समय थी जीरो, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा हाइट से गिराओगे नीचे आने पर उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी सेम तो नहीं है, क्या हो रही, लगातार एक्सेलरेट हो रही है। सो दिस मोशन इज नॉट सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, बट इट्स सेट टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक ना? क्लियर प्रियांशी? प्रियांशी क्लियर? यस सर ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशन क्या होता है। यस, तो तीन इक्वेशन याद कर लीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब है क्या। मान लो बेटा आप यहाँ से चलते समय आपकी स्टॉप क्लॉक में टाइम था टी इक्वल टू जीरो, और चलते समय आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, चलते चलते बस यहाँ पे पहुँच गए, तो कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे चले आप? ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। और जब यहाँ पर पहुँचे तो पर्टिकुलरली इस टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? वी, यहाँ पे यू थी और यहाँ पे वी है। तो आपका पहला इक्वेशन बनेगा बेटा, लिखो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से यहाँ तक चलने का जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ आपका वो कितना हुआ? एस। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
और ये सारी चीज़ें दिखी हुई हैं। बोलिए सभी बच्चों को क्लियर? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, वेरी गुड बेटा। तो प्लीज़ चलो फिर से बता देते हैं बेटा। देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, कब लगते हैं? जब कोई भी व्हीकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करेगा। तो लिख लो, कॉपी में लिखो, लिखो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कॉपी में लिखिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखने हैं। कब लगेगा बेटा? ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कब लगेगा? ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? तो तीन इक्वेशन लिखो बच्चों। अब ये इक्वेशन कब लगते हैं? जब मैं एक सोल्यूशन करवाऊंगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तब आपको समझ में। लिखो पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन लिखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस s। ये क्या है? ये रिलेशनशिप है v में, u में, a में, t में। ये इन सब में रिलेशनशिप है। कौन सब में? ये जो इक्वेशंस के पैरामीटर दिए गए हैं v u a t s, और ये होते क्या है? वो ये होते हैं, ये लिखा हुआ है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब जितना टाइम तुमने लिया है बॉडी ने चलने के लिए, और s मतलब है डिस्प्लेसमेंट। बोलो आया समझ में बच्चों? क्लियर है? यस। तो ये तीन इक्वेशन आपको लिखने हैं, और इन तीन इक्वेशन से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो डन। यस सर। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एवरेज वेलोसिटी लिखिए, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या प्रूव दैट करने को आएगा कि शो करो कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u प्लस v बाई टू। ये प्रूफ करने को आएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई टू। चलो आओ करते हैं सॉल्व। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पढ़ा ना? बोलो यस कि नो? यस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस, टोटल टाइम टी। अब देखो बेटा, एस की वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने अभी कॉपी लिखा है, तो इक्वेशन नंबर टू यही है, अपॉन टी। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। बेटा टी टी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ऊपर टी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे बच जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी टी और अपॉन में टी, तो इस टी से टी क्या हो गया? कैंसिल। तो अपने पास क्या बच गया? ओनली यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी टी, यू टी तो कॉमन आ गया था, यू प्लस हाफ ए टी, टी नहीं बचेगा, तो यू प्लस हाफ ए टी, ये भी गलत लिखा है, ओके यू प्लस हाफ ए टी, ओके। चलिए बच्चों देखिए, अब यहाँ पे है u प्लस हाफ, ओके ए टी है। अब एक चीज़ देखो बच्चों आप लोग, कि मैंने पहला इक्वेशन क्या पढ़ाया आपको? मैंने पहला इक्वेशन पढ़ाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फर्स्ट इक्वेशन यही तो है, ये देखो ये लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ जी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से ए टी की वैल्यू निकालो, तो AT की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, तो AT इक्वल्स टू कितना हो गया? V माइनस यू।
तो 80 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 80 यहाँ पे आ गया v माइनस u। चलो ओपन कर दो, तो u प्लस v बाई टू माइनस u बाई टू। ओके, तो u में से u बाई टू जाएगा तो कितना बचेगा, एक u में से आधा u गया, तो आधा u बच गया, तो ये बच गया u बाई टू और ये बच गया v बाई टू। तो आंसर कितना हो गया, u प्लस v बाई टू। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, बताओ? ठीक है, हाँ यस सर। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और यहीं तक फिनिश करते हैं इसको, बाकी कल करेंगे। ठीक है ना? सर आज क्लास थोड़ा लेट।